मीन फ्री पाथ, देखो जो मीन फ्री पाथ है इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कि गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, ये भी सबको मालूम है। अब मान लो एक मॉलिक्यूल मूव करता है रैंडम मोशन में और वो सेकेंड मॉलिक्यूल को रास्ते में टक्कर मार देता है, कोलिजन तो होनी होती है इसमें, टक्कर तो लगेगी। तो एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और दूसरे को टक्कर मार रहा है, जब तक उसकी कोलिजन नहीं होती तब तक पहला मॉलिक्यूल क्या करता है, तब तक पहला मॉलिक्यूल फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, उसको बोलते हैं उसका फ्री पाथ है। फ्री पाथ का मतलब बिना टक्कर के जहां मर्जी मूव करे फ्री पाथ है, स्ट्रेट मूव करता है। जैसी टक्कर हो जाती है अभी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर लेगा, वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज करेगा, फिर यहां से हो सकता है वहां मूव करना शुरू कर दे। अब जब तक उसकी नेक्स्ट टक्कर नहीं होती उसका नेक्स्ट फ्री पाथ है, फिर मूव करता है टक्कर के बाद, फिर जब तक उसकी नेक्स्ट कोलिजन नहीं होती उसका नेक्स्ट फ्री पाथ है, फिर नेक्स्ट टक्कर नेक्स्ट फ्री पाथ है। अब एक स्टूडेंट मान लो कह रहे हैं, मान लो आप स्टूडेंट्स नहीं हैं और मान लो मैं और आप हैं, हम सब मॉलिक्यूल्स हैं, हम रैंडम मोशन में हैं। अब सोचें एक मिनट के लिए, मैं यहां से चलता हूं इसको कोलाइड करता हूं, तो मैंने मैंने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, मेरा फ्री पाथ है 2 मीटर, फिर मेरी टक्कर हुई और वहां से लेके वो वहां तक मैंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अब मेरा फ्री पाथ कितना है 10 मीटर। अब सपोज करो टोटल कितना हो गया 11 मीटर, मैं वहां से आता हुआ यहां आ गया, मेरी तीसरी कोलिजन हुई, तीसरी कोलिजन में मैंने डिस्टेंस कवर किया 9 मीटर, ठीक है 9 मीटर, फिर चौथी हुई, चौथी में डिस्टेंस किया 1 मीटर, तो कुल मिला के 21 मीटर हो गया 4 कोलिजन में। किसी ने पूछा सर आपका फ्री पाथ का डिस्टेंस कितना होता है, भाई मैंने कहा एक्चुअल में तो जब मैं एक मॉलिक्यूल दूसरे को कोलाइड करता है तो पहला डिस्टेंस मेरा फ्री पाथ का तो 1 ही मीटर था, फिर मैंने दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारी तो मैंने 10 मीटर ट्रेवल कर लिया, अब तीसरे में मैंने 1 मीटर ट्रेवल किया, चौथे में 9 मीटर ट्रेवल कर लिया, वही तो चेंज होता रहता है, मुझे क्या पता मॉलिक्यूल टक्कर मारने के बाद कितना डिस्टेंस आगे कवर करे, वो तो रेंडम है क्या कह सकते हैं। पर उसने कहा नहीं सर कुछ एवरेज वैल्यू तो होती होगी, मैंने कहा देख एवरेज कैलकुलेट करने का बड़ा सही तरीका है, 4 टक्करी हुई है मेरी, चारों में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 21 मीटर है, ठीक है या मान लो 20 मीटर है, 4 कोलिजन हुई है तो टोटल डिस्टेंस 20 मीटर को नंबर ऑफ कोलिजन 4 से डिवाइड कर दे तो एवरेज कितना आता है 5, तो भाई मेरा 5 मीटर के आसपास है। अब चाहे तो ये सोच ले पहली टक्कर 1 मीटर में हो और दूसरी टक्कर 10 मीटर में हो तो एवरेज क्या होगा इसका 5 होगा। तो रूल समझ में आ रहा है, तो मैं क्या निकाला मैंने ये 5 मीटर, मीन मीन का मतलब है एवरेज, और किसका मीन फ्री पाथ का, फ्री पाथ कौन सा डिस्टेंस है, एक मॉलिक्यूल जब तक उसकी टक्कर नहीं होती दूसरे के साथ उसका फ्री पाथ है, फिर दूसरा दूसरी कोलिजन से पहले उसका दूसरा फ्री पाथ है, तीसरी कोलिजन के पहले उसका फ्री पाथ है, तो हम क्या निकाल रहे हैं मीन फ्री पाथ। एक मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में जब कोलिजन करेगा तो उसका फ्री पाथ मीन फ्री पाथ क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो इसके अंदर यही मेंशनड है, एक मॉलिक्यूल जाता है फ्री पाथ है लैम्डा 1, दूसरे को टक्कर मारता है फ्री पाथ है लैम्डा 2, तीसरे को टक्कर मारता है लैम्डा 3 लैम्डा 4 करते करते लैम्डा n, तो टोटल मीन क्या होगा इसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ होती है पर वैसे सिंबल लैम्डा यूज कर रहा है, कुछ भी यूज कर सकते हो, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन, और इसको नंबर ऑफ कोलिजन से क्या कर दिया डिवाइड, तो क्या आ गया फ्री पाथ आ गया या मीन फ्री पाथ आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब इसके अंदर मीन फ्री पाथ में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड रैपिड रैंडम मोशन, तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन के अंदर है, एज ए मॉलिक्यूल्स हैव अ फाइनाइट दो स्मॉल साइज, तो मॉलिक्यूल के पास छोटा साइज है फाइनाइट साइज है, सो दे कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर फ्रीक्वेंटली, आपसी टक्करें होती रहती हैं, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दो टक्करों के बीच में मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक मॉलिक्यूल कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ में मूव करता है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दिस पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ, तो एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका फ्री पाथ है। अब वो कह रहा है बट आफ्टर एवरी कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल चेंजेस, कह रहे हैं जी वेलोसिटी भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, इस तरीके से रेफर डायग्राम। तो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या है, मीन फ्री पाथ है डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इन सभी डिस्टेंसेस को नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल हर कोलिजन के बीच में, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। सीबीएसई एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थ्योरी लिखने को आएगी। ठीक, अब इस फिगर में बता दिया मैंने मीन फ्री पाथ इज बार का मतलब मीन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से। अब इसकी डेरिवेशन आती है, एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ लिखो,
मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन लिखने से पहले एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये कैसे कैलकुलेट करूं कि मेरी टक्कर आपके साथ होती है 1 मीटर और वो डिस्टेंस है 10 मीटर। समस्या है कि ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं मूव कर रहा हूं, आप तो मूव ही नहीं कर रहे। जब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा 1 मीटर तो मैं अज्यूम कर रहा हूं तो बैठा ही हुआ है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा। फिर मैं कहता हूं जी 10 मीटर वो तो बैठा ही हुआ है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में क्या होगा, मैं भी मोशन में हूं, आप सब भी मोशन में है, तो एक्चुअल में तो सिचुएशन रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व होने वाली है। तो पहली अजम्पशन है और उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत टफ है, हर कोई रैंडम मोशन में डिस्टेंसेस कैसे निकलेंगे। तो हमने एक अजम्पशन की, ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर डी, पहली अजम्पशन है सबका डायमीटर डी है। और दूसरी अजम्पशन है ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल ए अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट, मतलब मैं मूव करूंगा आप नहीं मूव करेंगे, मैं टक्कर मारूंगा आपका अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा आप नहीं मूव करेंगे, क्योंकि अगर आप भी मूव कर गए फिर रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, सौ लफड़े हैं बीच में, हमने छोड़ दिए। तो इस डेरिवेशन के अंदर एक ही पार्टिकल, एक ही मॉलिक्यूल मूव करेगा और वो टक्कर मारता हुआ बाकी मॉलिक्यूल के साथ आगे जाएगा। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, अजम्पशन क्लियर है? तो ये ना कहे कि बाकी मॉलिक्यूल भी मूव मोशन में है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी मॉलिक्यूल मोशन में नहीं है, बस एक ही मूव कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इमेजिन करें एक मिनट के लिए, मैंने एक रूम ले लिया, ये रूम ले लिया और हम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप सब मूव नहीं करेंगे, आप बैठ जाएं, मैं अकेला मूव करूंगा। मैं मूव करता हुआ अगर इसको हेड ऑन टक्कर मारता हूं, हेड ऑन टक्कर मारता हूं, वापस आ जाऊंगा। ऑब्वियसली अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे को हेड ऑन टक्कर मारेगा फिर तो ऐसे जाएगा ना कोलिजन्स। अब फिर डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना। फिर मतलब कि मेरी टक्कर तो इसके साथ होगी, आपके साथ तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हेड ऑन के तो मैं वापस ही आ जाऊंगा, तो आपके साथ तो ये गेम खेलने का मौका मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि जब मैं जाऊंगा ये मुझे भगा देगा, वापस चले जाओ, मैं वहाँ टक्कर मारूंगा वो कहेगा वापस चले जाओ, तो आगे औरों के साथ टक्कर कैसी होगी, बहुत मुश्किल है। एक और अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि आप सब रेस्ट पे रहे और मैं आपको हेड ऑन कोलाइड नहीं करूंगा, मैं आपको साइड से टक्कर मारता हुआ जाऊंगा, ताकि मैं एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी को रखूंगा, मैं अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकता। तो आपने देखा ये सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं, ऊपर वाले, ये वाला मॉलिक्यूल को टच करता हुआ आगे जा रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा एंगल पे टच कर दिया फिर क्या होगा, ये अपनी मल्टीपल डायरेक्शंस कर लेगा, फिर मेरे फिजिक्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इतनी कॉम्प्लेक्स हो, मैं चाहता हूं बस सीधे मूव करता रहे, सीधा भी मूव करें और टक्करें भी मारे। इमेजिन करो यहां 10 लोग बैठे थे, 10 मॉलिक्यूल बैठे हैं, 11वां मैं हूं, तो मैंने यहां से इनके साइड से टच करता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, तो मेरी नंबर ऑफ कोलिजन कितनी हुई, 10 लोग बैठे हैं, मैं 11वां हूं, तो नंबर ऑफ कोलिजन टोटल कितनी होंगी, 10। पहली, दूसरी, मेरे को काउंट ना करो ना, मैं तो टक्कर मार रहा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं। अब देखो नंबर ऑफ कोलिजन कैलकुलेट करनी कितनी आसान होगी आपके लिए, कैसे कैलकुलेट करनी आसान होगी, इमेजिन करो, अब एक मिनट और बेटर करते हैं। इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो इधर 10 बैठे हैं, इधर 10 बैठे हैं, और मैं दोनों को टच करता हुआ जा रहा हूं, ये भी तो हो सकता है। इसमें मान लो इस रूम में 20 लोग बैठे हैं, 10 यहां बैठा दो, 10 यहां बैठा दो, अब मैं मूव कर रहा हूं तो मैं ऊपर के मॉलिक्यूल को भी टच करता हुआ जा रहा हूं और नीचे को भी। अब टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं यहां पर, 20, 20 के 20 को मैंने क्या कर दिया, 20 के 20 जो है मॉलिक्यूल्स हैं उनको कोलाइड करता हुआ जा रहा हूं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी हुई आपसे पूछा गया, आपने कहा जितने स्टूडेंट बैठे हैं उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, काउंट क्या करने, फिर से 20 मैंने इधर भी ले ली ना, जब मैं इधर जा रहा हूं 10 लोगों को यहां टक्कर मारता हुआ, मान लो मॉलिक्यूल चला गया, 10 लोगों को यहां टक्कर मारता हुआ चला गया, तो 20 टच कर गया ना, मैं तो नंबर ऑफ कोलिजन 20 काउंट होंगे ना, 2 टच हो गए तो फिर 2, एक हो गया तो एक, तो मेरी कोलिजन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों लेफ्ट और राइट, मतलब जब मॉलिक्यूल ऐसे मूव करेगा तो ऊपर भी और नीचे भी। अजम्पशन, अजम्पशन, ठीक, तो यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल को मूव करवाया, ध्यान आगे प्लीज,
इसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल को मूव करवाया, मॉलिक्यूल टच करते हुए ऊपर भी और नीचे भी मॉलिक्यूल को टच करता हुआ जा रहा है। अब मैंने इमेजिन किया कि मेरा, देखो ना गैस का कंटेनर तो बहुत बड़ा है, मैं किस कितना बड़ा कंटेनर लूँ, कहीं तो फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डी रेडियस का ये कंटेनर ले लिया, ये देख रहे हो डी, ये डी रेडियस का ले लिया, मुझे डी का लेना पड़ेगा जितना मॉलिक्यूल का डायमीटर है। मॉलिक्यूल का डायमीटर अगर डी है तो मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो कितना है, डी बाई टू है, डी बाई टू है। मॉलिक्यूल का ये रेडियस भी कितना है, डी बाई टू है। फिर इसके अगले साइड पे एक और मॉलिक्यूल है, देखो वो कह रहा है कि जो ये जो मिनिमम रेडियस है, ये मिनिमम रेडियस बोल रहा हूँ इस सेक्शन का, वो कम से कम डी होना चाहिए, कम से कम डी होना चाहिए ताकि इन दोनों को भी एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि इसके रास्ते में कोई मॉलिक्यूल नहीं आना चाहिए, साइड पे चलेगा वो, जैसे मर्जी हो साइड पे जैसे मर्जी लगाओ सब चलेगा, पर इसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो कह रहा है कि मैंने वर्किंग एरिया यहाँ पर डी रेडियस का ले लिया। अब इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी वेलोसिटी से वी बार, जो कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वी बार है, और मान लो इतने मॉलिक्यूल को वो कोलाइड करता हुआ यहां से यहां आ गया, जितने मॉलिक्यूल पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस मॉलिक्यूल ने यहां से यहां आने में, वी बार इंटू डेल्टा टी एस इक्वल टू वी टी, तो इतनी लंबाई वो कवर कर गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई इंटू डी का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और लंबाई कितनी है वी इंटू डेल्टा टी, तो बोलो वॉल्यूम कितना है इस पूरे पोर्शन का, वॉल्यूम है एरिया पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ क्या है ये लेंथ है, तो क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। ये स्टेप भी क्लियर है, तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया। वॉल्यूम जो हमने निकाला इसमें एन का मतलब है, इमेजिन करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस पूरे कंटेनर में जो यहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो एन को टोटल वॉल्यूम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही नंबर ऑफ कोलिजन हैं, क्योंकि मैंने तो लाइन बिछा रखी है ना इधर दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतने मेरी कोलिजन हो गई, बात ही खत्म हो गई, इसलिए मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व खत्म। वो कह रहा है फिर मीन फ्री पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने मॉलिक्यूल ने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस इक्वल टू बी टी, और कितनी टक्करें मारता हुआ गया जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, खत्म। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल चुके हैं, और ये क्या चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल किया वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, फॉर्मूला ये रिडेरिवेशन खत्म, टोटल डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ कोलिजंस। तो ये फॉर्मूला है आपका मीन फ्री पाथ का। इसमें लिखने का तरीका ऐसे रहेगा, अपनी किताबों में अजम्पशन लिख देना, डायग्राम बना देना, लिख देना ए मॉलिक्यूल की स्पीड वी बार है, इट विल कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल्स हु सेंटर लाई विद इन अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम इट्स पाथ, तो मतलब ये डी डिस्टेंस के अंदर अंदर कोलाइड करेगा, ना लिखो जाए कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी टाइम में इतना वॉल्यूम कवर होगा, और एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इतने, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, क्योंकि एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और फिर लिख देना मीन फ्री पाथ लैम्डा बार इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नंबर ऑफ कोलिजन आंसर। ये पहला फॉर्मूला नोट किया जा सकता है फॉर्मूला बुकलेट के अंदर, इसकी मॉडिफिकेशन भी है। अब हमने अज्यूम किया कि सिर्फ ए ही मूव करेगा, बाकी मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली बाकी मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं, पर वो डेरिवेशन हमने नहीं करने। अगर उसको भी कंसिडर किया जाए कि वो भी रैंडम मोशन में है, तो फिर रिजल्ट ये बनता है, रूट टू एक्स्ट्रा आता है, पर ये कैसे आता है हमने डिस्कस नहीं करना, हमारी कोर्स का पार्ट नहीं है। हमने फॉर्मूला यही याद करना है, मीन फ्री पाथ का एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, हमारी डेरिवेशन के लिए यहाँ तक सफिशेंट है, रैंडम मोशन में सारे पार्टिकल हैं तो ये रहा। तो पहला फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का ये रहा, अगर आपके स्कूल में आएगा तो आपने यहाँ तक करके आना है, ठीक।
तो मेन फ्री पाथ क्लियर हो गया यहां तक, ये करेंगे नीचे वाला करेंगे, जितना हमारे स्कोप में था प्लस प्लस वन में हमने कर लिया, साइंटिस्ट तो बनना नहीं तो इसलिए छोड़ दिया। सीबीएसई में ही आएगा कंपटीशन के अंदर, मैंने मेंस और नीट पे इसके क्वेश्चन आते देखे हैं, मेंस में तो स्पेशली देखे हैं, चुन चुन के क्वेश्चन डालते हैं, देखो क्या वो क्या कहेगा। यहां तो ठीक है बच्चा याद भी कर जाएगा एनसीईआरटी से, फिर उसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा कॉम्पिटिशन का। क्यों नहीं होगा बताता हूं, हमने पहले भी ये किया था, डेंसिटी को लिख सकते हैं छोटा एम इंटू एन। अब जब मैंने छोटा एम लिख दिया तो कौन सा मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, बोला था ना बड़ा एम मॉलिक्यूलर मास है, छोटा एम एक मॉलिक्यूल का मास है। तो एक मॉलिक्यूल का मास हमने किया था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये क्या चीज है स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, क्या आ गया आपके पास टोटल मास आ गया। टोटल मास को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वॉल्यूम से, तो क्या आएगी डेंसिटी। तो बेटर पता है क्या है, हमने लास्ट टाइम किया था डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लो m into n, एक मॉलिक्यूल का मास को n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो m into n डेंसिटी आ जाएगी। हमने एवरेज प्रेशर में ये टर्म सीखी थी लास्ट टाइम, तो इसके अंदर n की वैल्यू क्या आ गई रो बाय m, इस n को मीन फ्री पाथ के अंदर पुट कर दें तो रो और m ऊपर चला गया, तो ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में क्योंकि पहला फॉर्मूला किसकी फॉर्म में है, डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल और एन की फॉर्म में है, दूसरा फॉर्मूला डेंसिटी और डायमीटर की फॉर्म में है और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो आपको दो गैसेस का कंपैरिजन देगा, एक गैस की डेंसिटी रो वन देगा एक की रो टू देगा और मीन फ्री पाथ की रेशियो पूछेगा, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक, अब यहीं तक नहीं रुका, वो कहेगा वन मोल ऑफ अ गैस लो, वन मोल में पी इज इक्वल टू वन आर टी, पी लो और n एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। इस n को r के, इस n को r के नीचे ले आओ ऐसा n by v, ये n by v और r by v इकट्ठे कर लो। अब n r by n, n क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो इस p की वैल्यू को, इस p की वैल्यू में से n निकाल लो, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है सॉरी इसमें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इस छोटा n है, इसमें छोटे n की वैल्यू को यहां निकाल लो, इस n को उठा के फिर से मीन फ्री पाथ में पुट करो, अब ये आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्रूफ करने को नहीं आएगा, प्रूफ अगर स्कूल में आएगा तो बस ये क्लोज है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला और तीसरा ये फॉर्मूला, तो ये तीनों फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये तीन फॉर्मूला आपने याद करने हैं, प्रेशर की फॉर्म में आएगा, टेम्परेचर की फॉर्म में आएगा, सब जिस जिस फॉर्म में आएगा वैसे वैसे फॉर्मूले को यूज करेंगे, दो गैसेस का कंपैरिजन आएगा, इस फॉर्मूले से काम चलेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चन गिवन होंगे इन फॉर्मूले से काम आ जाएगा। तो क्लियर है, आएगा मेंस वालों को तो आता है, ठीक यहां तक क्लियर है। अब फैक्टर्स ऑन विच मीन फ्री पाथ डिपेंड, ये तो यही लिखा हुआ है कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं मीन फ्री पाथ जो है ना वो एम पे डिपेंडेंट है, मीन फ्री पाथ है ना वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन फ्री पाथ प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन फ्री पाथ डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारी बातें यहाँ लिख दी, लिखने की जरूरत क्या है, हमें पता ही है कौन किसके प्रोपोर्शनल है,
फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात खत्म।